हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने IAS की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक थोड़ा डिस्कस भी किया कि व्हेन वी टॉक अबाउट मीडियवल इंडिया, जब हम लोग मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, देयर आर थ्री पार्ट्स, तीन भाग हैं, प्री मीडियवल, सल्तनत पीरियड एंड मुगल पीरियड, पूर्व मध्यकाल, सल्तनत काल और मुगल काल। तो देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ मीडियवल इंडिया, मध्यकालीन भारत के तीन भाग हैं। प्री मीडियवल, प्री मीडियवल, इट इज कॉल्ड प्री मीडियवल, इसे पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, बिकॉज एंशियंट कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर ऑल्सो फाउंड इन दिस पीरियड, इसमें प्राचीन काल की भी कुछ विशेषताएं शामिल हैं, सो इट वॉज कॉल्ड प्री मीडियवल, इसे कहा गया पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल कहने का अर्थ है कि मध्यकाल तो आया, यानी इस्लामिक संस्कृति आई, यानी कि एक तरह से देखा जाए धर्म से, मैंने बताया भी था आप लोगों को, मध्यकाल का मतलब होता है मध्य युग, कहीं भी मिडिल एज जहां भी हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होता है, रूल्ड बाय द रिलीजियस बुक्स, मतलब जो धार्मिक ग्रंथ है उससे शासित होता है। तो यहां भी आप देखेंगे कि कुरान से शासित हो रहा है, जो भी इस्लामी राज्य की स्थापना होती है, तो इस्लामी राज्य की स्थापना होती है तो इस्लामी कानून ग्रंथ के अनुसार वो चलता है। इस्लामी कानून ग्रंथ को बोलते हैं हम लोग शरीयत, शरीयत, शरीयत जो है वो इस्लामिक कानून ग्रंथ है, जैसे मनुस्मृति है ना हिंदू कानून ग्रंथ, वैसे इस्लामिक कानून ग्रंथ है शरीयत। शरीयत के चार आधार हैं, कुरान, हदीस, इजमा, कयास। कुरान, हदीस, इजमा, कयास। कुरान मौलिक धार्मिक ग्रंथ है, मौलिक इस्लामिक धार्मिक ग्रंथ है, मूल ग्रंथ है, जो बेसिक बुक है, मतलब कि जो जहां से इस्लाम का ओरिजिन, इस्लाम के मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं वो कुरान में दिए गए हैं। और लाइक ऑल द रिलीजियस बुक्स, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसी के समान कुरान को भी, कुरान इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ गॉड, स्टेटमेंट ऑफ अल्लाह, तो अल्लाह के कथन है, जैसे कि वेद को बोला गया ईश्वर कृत है, ईश्वर ने इसकी रचना की। बाइबल के बारे में बोला जाता है ये गॉड का स्टेटमेंट है, लाइक दैट उसी तरह से कुरान इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह के कथन है, अल्लाह के जो, और जिसको कि आयतों में प्रस्तुत किया गया, जैसे श्लोक होते हैं ना संस्कृत में, वैसे वहां आयतें होती हैं, तो अनेक आयतें प्रस्तुत की गई हैं। तो कुरान, तो कुरान, हदीस, हदीस जो है वह हजरत मोहम्मद साहब के उपदेश हैं, स्पीचेज ऑफ हजरत मोहम्मद साहब, दैट वॉज हदीस। इजमा और कयास, ये दोनों जो है ये मतलब कि सर्वसम्मति होती है और कानून की समानता होती है, इस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, सिंस वी आर स्टडिंग राजपूत पीरियड टूडे, आज हम लोग राजपूत काल कर रहे हैं। और राजपूत काल क्या है, एक पार्ट है प्री मीडियवल का, पूर्व मध्यकाल का। तो मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था, जिसको अभी फिर से कर दे रहा हूं, When we talk about medieval India, जब हम लोग मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, जब हम लोग मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, when we talk about medieval India, there are three parts. तो इसके कितने parts हैं, कितने भाग हैं, तीन भाग हैं। एक तो हो गया पूर्व मध्यकाल, प्री मीडियवल, पूर्व मध्यकाल यानी मध्यकाल के लक्षण है, पूरी तरह से लक्षण नहीं है, यानी कि इसमें यह भारतीय पृष्ठभूमि में भी अनेक शासक हैं और उनका वर्चस्व है जो राजपूत कहलाते हैं। देन सल्तनत पीरियड, उसके बाद हम लोग देखेंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल क्यों कहा गया है, क्योंकि इस काल के जो शासक हैं, रूलर्स ऑफ दिस पीरियड वे आर कॉल्ड सुल्तान, इस काल के शासक सुल्तान कहे गए, सुल्तान के राज्य को सल्तनत कहा जाता है, स्टेट ऑफ सुल्तान इज कॉल्ड सल्तनत, सो दिस पीरियड इज कॉल्ड सल्तनत पीरियड। After that, मुगल केम, इसके बाद मुगल आए, then मुगल पीरियड स्टार्टेड, इसके बाद तब क्या हुआ, मुगल आए और मुगल काल की शुरुआत होती है। इसमें प्री मीडियवल में दो पार्ट है, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ प्री मीडियवल, फर्स्ट वन राजपूत पीरियड, राजपूत काल है, एंड सेकेंड वन
कि इनकमिंग ऑफ इस्लाम, तो इस्लाम का आगमन और तुर्की शासन की स्थापना एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्की रूल और इस्लामी शासन की स्थापना या तुर्की शासन की स्थापना तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ प्री मेडिवल। तो प्री मेडिवल के पूर्व मध्यकाल के दो भाग हैं, राजपूत पीरियड राजपूत काल एंड सेकेंड वन इस्लाम का आगमन कमिंग ऑफ इस्लाम एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्की रूल। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ दिस पार्ट, इस भाग के भी तीन भाग हैं। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है, मोहम्मद बिन कासिम केम इन 712 एडी। 712 ईस्वी में ही अटैक्ड ऑन इंडिया, ही वॉन सिंध, उसने सिंध को जीत लिया। तो मोहम्मद बिन कासिम आया 1001 से 1027 तक, 1001 to 1027 महमूद गजनबी केम, ही अटैक्ड 17 टाइम्स, 17 बार आक्रमण किया, 17 बार ही लूटेड, 17 टाइम्स 17 बार लूटा। और उसी से इंस्पायर होकर मोहम्मद गौरी केम इन 1175 में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण प्रारंभ किया। और 11 और बोला जाता है कि 17 बार हारने के बाद, आफ्टर हाँ बोल सकते हैं कि 17 बार आफ्टर डिफीट ऑफ 17 टाइम्स ही वॉन 18th टाइम, 18वां बार जीता। और खास करके सिविल सर्विस के स्टूडेंट के लिए एक अच्छा इंस्पिरेशन है, एक अच्छी प्रेरणा है कि वो कभी हारने के बाद भी हार नहीं माना और एट लास्ट जीत गया। ठीक है, उसी की इंस्पिरेशन मेरे साथ भी हुई, मैं भी लास्ट में जाके अंतिम प्रयास में सफल हुआ हूं, तो मैंने हार कभी नहीं माना, तो अंतिम प्रयास में जाकर सफल हुआ। तो कुछ इसी तरह से अब अगर पृथ्वीराज चौहान बने रहते जीतने के बाद जीत की खुशी मना रहे हैं, और तो सिर्फ हार ही नहीं मिली ना, मारे भी गए। और ऐसे ही अनेक राजपूत शासक थे जो हारने के बाद हार मान लेते थे, यानी इज्जत चली गई, नाक कट गई, जाके सुसाइड कर लेते थे। तो ये जो सुसाइड करने, तो ये एक तरह से देखा जाए इस्लामी शासन की स्थापना हुई तो इसमें एक कारण राजपूतों का शासन भी है। राजपूत बहुत ही बड़े योद्धा थे, यानी कह सकते हैं वॉरियर है, गुड वॉरियर, अच्छे योद्धा है। लेकिन समस्या ये है कि ये निराश हो जा रहे हैं, हारने के बाद जो है लग रहा है कि इज्जत चली गई, प्रतिष्ठा चली गई, अब जी के क्या करेंगे, वो स्थिति है। और यही कारण है कि तुर्की शासन की स्थापना का आधार बना, मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्की शासन की स्थापना की। टर्की रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, तराइन के प्रथम युद्ध नहीं, आफ्टर द बैटल ऑफ तराइन सेकेंड, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद इन 1192 ईस्वी में टर्की रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड, और तुर्की शासन रहता है 1192 से 1206 तक, फ्रॉम 1192 to 1206। इन 1206 सल्तनत पीरियड स्टार्टेड। तो ये जो काल है इसको 712 से 1206 तक मानते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको अलग अलग 750 से 1200 मानते हैं, जनरल जो है वो 750 से 1200 इसको राजपूत काल बोला जाता है। और ये 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम द सुल्तान, बिकेम द किंग, बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली का ये शासक बना। ही डिड नॉट टेक द टाइटल ऑफ सुल्तान, उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, द फर्स्ट रूलर हु हैड टेकन द टाइटल ऑफ सुल्तान दैट वाज इल्तुतमिश, इल्तुतमिश था पहला शासक जिसने सुल्तान की पदवी ली। सुल्तान दैट मीन्स के आफ्टर द परमिशन ऑफ खलीफा, खलीफा के अनुमति के बाद जब कोई शासक बनता था दैट वाज कॉल्ड सुल्तान, उसको सुल्तान कहते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सुल्तान इस समय के शासक सुल्तान है, इसलिए इस काल को सल्तनत काल कहा जाता है। 1206 से 1526 है, ठीक है। इसमें क्या, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। तो ये पांच वंश हैं, देयर वेयर फाइव डायनेस्टीज, पांच वंश हैं, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी,
देन मुगल कैंप, इसके बाद मुगल आते हैं, मुगल 1526 से 1707 तक, ये मुख्य मुगल हैं, मुख्य मुगल हैं जो मध्यकालीन भारत का भाग है, मध्यकालीन भारत का भाग है, मीडियवल पीरियड का भाग है मुख्य मुगल, जिसमें कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, शाहजहां एंड औरंगजेब, शाहजहां और औरंगजेब, औरंगजेब। और आप सैटरडे संडे में हम लोगों का मॉडर्न इंडिया चल रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने लेटर मुगल पढ़ा है, उत्तरकालीन मुगल पढ़ा है। तो उत्तरकालीन मुगल औरंगजेब की मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है, तो हाँ, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ होता है और तब लेटर मुगल स्टार्ट होते हैं। तो वी आर स्टडिंग मीडियवल इंडिया, हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं, और मध्यकालीन भारत में पहला सेक्शन हम लोग देखेंगे पूर्व मध्यकाल, उसके बाद सल्तनत काल पढ़ना है 1206 से 1526, जिसमें पांच वंश हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। देन मुगल पीरियड, इसके बाद मुगल काल देखेंगे, मुगल काल का संस्थापक बाबर था, 1526 से 1530 तक रहा, 1530 में उसकी डेथ हो जाती है, 1530 से 1556 तक हुमायूं है, जिसमें बीच में 15 साल ये निर्वासित है भारत से, 1540 से 1555 तक सूर्य साम्राज्य है, सूर्य वंश है, तो ये हुमायूं को बाहर कर देता है, सूर्य साम्राज्य बीच में आता है। इसके बाद 1556 से 1605 तक अकबर है, 1605 से 1627 तक जहांगीर है, 1627 से 1658 तक शाहजहां है, और 1658 से 1707 तक औरंगजेब। यहां याद रखिएगा 1530 में क्या हुआ, तो 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है, 1627 में जहांगीर की मृत्यु, लेकिन शाहजहां की मृत्यु नहीं होती 1658 में, उसको कैद कर लेता औरंगजेब आगरा के किला में, और इसकी मृत्यु होती है 1666 में, जहां लगभग 8 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु होती है। तो इसके बाद जो है औरंगजेब 1658 में ही शासक बन जाता है, और औरंगजेब जो है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और मुगलों का पतन शुरू होता है, यहीं से आधुनिक काल की शुरुआत होती है। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट राजपूत पीरियड, राजपूत काल। अच्छा, राजपूत काल में अनेक वंश हैं, लगभग 17-18 वंश के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, राजपूत काल में 17-18 वंश हैं, 17-18 वंश के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ये क्लियर ना। इतना पूर्व मध्यकाल का तीन भाग है, ये मध्यकाल का तीन भाग है, मध्यकालीन भारत का तीन भाग है, मीडियवल इंडिया है थ्री पार्ट्स, हैव थ्री पार्ट्स। तो इसमें कौन कौन है, तो प्री मीडियवल, सल्तनत पीरियड एंड मुगल पीरियड, पूर्व मध्यकाल, सल्तनत काल और मुगल काल। इसमें राजपूत पीरियड एंड कमिंग ऑफ इस्लाम एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तुर्की रूल, हियर फाइव डायनेस्टीज, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, हियर सिक्स रूलर्स, छह शासक हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो यहां छह शासक हैं। ये याद रखेंगे 180 साल के शासन काल में, इन द टेन्योर ऑफ 180 ईयर्स, तो 180 साल के शासन काल में, शासन अवधि में देयर वर सिक्स रूलर्स, छह शासक। अब बाद में हम लोग देखेंगे कि 150 साल में 12 शासक थे, उसको डिक्लाइन ऑफ मुगल्स कहते हैं, मुगलों का पतन कहते हैं, जो कि सैटरडे संडे में क्लास चल रही है। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग पीपीटी वर्क करेंगे। तो एक तो है कि ये जो भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति है, इसमें अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हो गया, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज बिकेम द सेंटर ऑफ द नॉर्थ इंडिया। कन्नौज जो है उत्तर भारत का केंद्र बन गया, कन्नौज उत्तर भारत का केंद्र बन गया, एंड फॉर कंट्रोल नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत पर कंट्रोल करने के लिए तीन शक्तियों के बीच युद्ध होता है। यहां प्रतिहार है, हियर प्रतिहार, तो यहां कौन है, प्रतिहार है, प्रतिहार है, प्रतिहार के बाद पाल है, प्रतिहार, यहां पाल है
और दक्षिण में राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट सबको दिया कूट, राष्ट्रकूट। और किसके लिए? तो ये कब्जा करने के लिए, कन्नौज पर कब्जा करने के लिए। दैट मीन्स कि कन्नौज पर जिस जो भी अधिकार करेगा संपूर्ण उत्तर भारत होगा उसके कंट्रोल में। और इस तरह से हम देखते हैं कि इस अवधि में, इन दिस पीरियड देयर वर मेनी रूलर्स, बहुत सारे शासक हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद सामंतवाद, सामंतवाद अपने चरम पे था, फ्यूडलिज्म वॉज ऑन द टॉप। सो देयर वर मेनी किंग्स, सामंत बिकेम द किंग्स, जो सामंत फ्यूडल, फ्यूडल जो थे, फ्यूडल बिकेम द किंग, सामंत क्या हो गए, राजा बन गए। और जब सामंत राजा बन गए तो ऐसे में बहुत सारे राजा हुए, और ये सामंत अपने आप को राजपुत्र कहते थे। दीज फ्यूडल्स दे कॉल्ड देमसेल्फ द सन ऑफ किंग, राजपुत्र, एंड राजपुत्र का ही अभ्रंश रूप है राजपूत। तो राजपूत के उद्भव का, राजपूतों के उद्भव का मेन कारण सामंतवाद है। हालांकि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, उस पर भी चर्चा होगी। और इसलिए देखिएगा अनेक वंश हैं, अनेक वंश है। यहां पर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में कारकोट उत्पल लोहार वंश, कारकोट उत्पल लोहार वंश, हिंदू शाही वंश इस साइड में है, उत्तर पश्चिमी मुल्तान वाला क्षेत्र हिंदू शाही वंश। यहां चौहान वंश है, दिल्ली और अजमेर में चौहान वंश है। कन्नौज में, कन्नौज में कौन सा है, तो कन्नौज में गढ़वाल वंश है। बंगाल में पाल और सेन है। मालवा में, मालवा में भोज है, मालवा में भोज है। फिर यहां पर मालवा के बाद आप बुंदेलखंड में चंदेल वंश है, बुंदेलखंड में चंदेल वंश। पश्चिम में प्रतिहार वंश, चालुक्यों की चार शाखाएं हैं, अनिलवार के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वातापी बादामी के चालुक्य। इसी से विकास होता है बेंगी के चालुक्यों का, बेंगी के चालुक्यों का। इसी से मैं दक्षिण में है पल्लव वंश और चोल वंश, पहले पल्लव है एंड देन चोल, चोल वंश के संस्थापक विजयालय, विजयालय। तो इस तरह से इतने राजवंश, लगभग 17-18 राजवंशों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। डिफरेंट रीजन में मैप में रहेगा, दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पीपीटी से। तो पूर्व मध्यकाल की अवधि कितनी है, 750 से 1200, जो जनरल वे में बोला जाता है। इट कैन बी, ये हो सकता है, हो कह सकता है इसमें। तो यहां 712 से 1206 भी हो सकता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। जो टाइम पीरियड है अबाउट में, लगभग में 712 में मोहम्मद बिन कासिम आता है। मोहम्मद बिन कासिम केम इन इंडिया, ही अटैक्ड ऑन इंडिया, द बैटल ऑफ रावर, रावर का युद्ध, सिंध वाज डिफीटेड, सिंध को पराजित किया गया। द किंग ऑफ सिंध वाज दाहिर, दाहिर सिंध का शासक था, ठीक है। तो दाहिर, दाहिर को पराजित करके सिंध को जीत लिया गया। और पहली बार, फर्स्ट टाइम, इट वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम इन इंडिया, भारत में पहली बार इस्लाम का परिचय इसी समय में हुआ जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया इन 712 एडी, 712 ईस्वी में। क्लियर? तो पूर्व मध्यकाल, प्री मीडियवल, 752-1200, देयर आर टू पार्ट्स। फर्स्ट वन राजपूत पीरियड, डायनेस्टीज ऑफ राजपूत पीरियड, एंड सेकेंड वन की बैकग्राउंड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट क्रिएटेड। तो यहां पृष्ठभूमि बनी, इस्लामी राज्य की स्थापना की पृष्ठभूमि बनी, और साथ ही साथ क्या हुआ, तो साथ ही साथ इसमें अनेक राजवंश है, राजपूत काल, राजपूत काल यहां देखने को मिलता है। तो एक तो राजपूत काल है, दूसरा इस्लामी राज्य के निर्माण की पृष्ठभूमि, स्थापना की पृष्ठभूमि बनती है। क्लियर? तो आगे बढ़ा जाए और आगे देखते हैं कि इस काल में पूर्व मध्य काल की कुछ विशेषताएं हैं। तो लिखिएगा, लिख लीजिएगा, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री मीडियवल पीरियड, पूर्व मध्यकाल की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, पूर्व मध्यकाल की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री मीडियवल इन विच टू आर इंपॉर्टेंट, जिसमें दो प्रमुख हैं, जिसमें दो प्रमुख हैं, टू आर इंपॉर्टेंट, दो प्रमुख हैं। एक क्या है, पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज शक्ति का केंद्र बना,
इंस्टीट्यूट ऑफ पाटलिपुत्र कन्नौज बिकेम द सेंटर ऑफ पावर, पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज शक्ति का केंद्र बना, इंस्टीट्यूट ऑफ पाटलिपुत्र कन्नौज बिकेम द सेंटर ऑफ पावर, सेंटर ऑफ पावर, ठीक है। एंड सेकेंड वन लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा, फ्यूडलिज्म वॉज ऑन द टॉप, सामंतवाद का उत्कर्ष, सामंतवाद का उत्कर्ष। तो दो पार्ट है, एक तो पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज शक्ति का केंद्र बन गया, दैट मीन्स हु एवर कंट्रोल कन्नौज नॉर्थ इंडिया इज टेकन बाय दैट पावर, मतलब कि उत्तर भारत उसके द्वारा प्राप्त किया जाएगा जो कन्नौज पर अधिकार करेगा। तो जो भी कन्नौज पर अधिकार करेगा उत्तर भारत उसका है। यह कॉन्सेप्ट डेवलप होता है प्रीमीडिएवल में। एंड सो फॉर द कंट्रोल ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत पर अधिकार करने के लिए देयर वॉज अ ट्राई पावर स्ट्रगल, तो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। तो लिखिएगा अगला पॉइंट, लिखिएगा उत्तर भारत पर अधिकार करने के लिए, उत्तर भारत पर अधिकार करने के लिए अर्थात कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, या उल्टा भी कह सकते हैं, टू कंट्रोल नॉर्थ इंडिया डेट मीन्स टू कंट्रोल कन्नौज, उत्तर भारत पर अधिकार करने के लिए अर्थात कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तीन वर्ष शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ, देयर वॉज अ स्ट्रगल बिटवीन, देयर वॉज अ स्ट्रगल एमोंग थ्री पावर, देयर वॉज अ स्ट्रगल एमोंग थ्री पावर। तो तीन शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ, ट्राई पावर स्ट्रगल जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, ट्राई पावर व्हिच इज कॉल्ड ट्राई पावर स्ट्रगल इन व्हिच देयर आर थ्री पावर्स, तीन शक्तियां कौन कौन है, नंबर एक लिखिए पाल, नंबर दो प्रतिहार और नंबर तीन राष्ट्रकूट, पाल प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट। तो दो पावर है नॉर्थ का, पाल और प्रतिहार, ईस्ट में है पाल, वेस्ट में प्रतिहार, इट वॉज स्टार्टेड बाय प्रतिहार, प्रतिहार के द्वारा इसकी शुरुआत हुई, इट वॉज स्टार्टेड बाय प्रतिहार, प्रतिहार के द्वारा इसकी शुरुआत हुई, लेकिन ये जो एट लास्ट कंट्रोल में किसके आए, कंट्रोल में भी आया प्रतिहार के ही, इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल रहे राष्ट्रकूट। इसमें देखिएगा पाल शासक धर्मपाल, पाल शासक धर्मपाल है, प्रतिहार में तीन शासक हैं इससे संबंधित, वत्सराज ने शुरू किया, नागभट द्वितीय इसमें बीच में आता है, और एट लास्ट मिहिरभोज, मिहिरभोज के काल में ये कन्नौज मिल जाता है प्रतिहारों को। और इसमें राष्ट्रकूट में तीन शासक हैं, एक तो है ध्रुव है, गोविंद तृतीय है, और एट लास्ट अमोघवर्ष, अमोघवर्ष को कोई रुचि नहीं थी, जब मिहिरभोज शासक था तो अमोघवर्ष ने नॉर्थ में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तो इन द पीरियड ऑफ अमोघवर्ष कन्नौज केम अंडर द कंट्रोल ऑफ मिहिरभोज, मिहिरभोज के अधिकार में आ गया और उसने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। जबकि ध्रुव आता है तो नागभट द्वितीय को, वत्सराज को पराजित करता है, गोविंद तृतीय आता है तो वो नागभट द्वितीय को पराजित करता है, और दोनों टाइम में धर्मपाल ने पहले आत्मसमर्पण कर दिया बाद में। अच्छा, कन्नौज में जो है ना आयुध वंश का शासन था, कन्नौज में आयुध वंश का शासन था, इन कन्नौज इन दैट पीरियड आयुध डायनेस्टी वॉज फाउंड, आयुध वंश का शासन था, इंदिरा युद्ध और चक्रायुद्ध के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, बैटल ऑफ सक्सेशन बिटवीन इंदिरा युद्ध एंड चक्रायुद्ध, इंदिरा युद्ध और चक्रायुद्ध के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा है जिसमें कि ये लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। पाल शासक में स्पेशली याद रखिएगा धर्मपाल, पाल शासक में धर्मपाल, क्या नहीं, गोपाल संस्थापक है लेकिन त्रिपक्षीय संघर्ष में गोपाल नहीं है, ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में गोपाल नहीं है, त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल है। तो याद रखेंगे कि यहां पर जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन है, धर्मपाल, और पाल वंश का सबसे शक्तिशाली सबसे इंपॉर्टेंट शासक है देवपाल था, देवपाल।
जिसने कि पांच गांव की आय दान में दी थी बौद्ध विहार बनाने के लिए, शैलेंद्रवंशी शासक जो श्री विजय के शैलेंद्रवंशी शासक को दिया था, हाँ, बौद्ध विहार बनाने के लिए पांच गांव की आय दान में दी। प्रतिहार में कौन कौन है? वत्सराज के बाद है नागभट्ट सेकेंड, और इसके बाद है मिहिर भोज, और यहां है ध्रुव है, फिर गोविंद तृतीय है, और एट लास्ट अमोघ वर्ष। हाँ, नहीं, लंबा नहीं चला है, ज्यादा शासक भले हैं, बहुत लंबा नहीं है। धर्मपाल के टाइम पीरियड में जब देवपाल शासक बना ना, तो कन्नौज उन्हीं के कंट्रोल में था। देवपाल जब तक शासक रहा तब तक कन्नौज पाल वंश के कंट्रोल में था। देवपाल की मृत्यु के बाद जब मिहिर भोज शासक बनता है तो उसने क्या क्या कंट्रोल कर लिया, ये चीज है। धर्मपाल के समय में ये दोनों अटैक करता है, ध्रुव और गोविंद तृतीय जो आता है। वो मैंने थोड़ी सी कहानी भी बताया था कि एक्चुअली इंद्रायुद्ध चक्रायुद्ध में हो रहा युद्ध, तो धर्मपाल ने क्या किया, वत्सराज ने क्या किया कि चक्रायुद्ध को शायद सपोर्ट किया, फिर ये क्या करता है, धर्मपाल क्या करता है, इंद्रायुद्ध को बैठा देता है गद्दी पर। अब बैठा दिया तो इधर से आ जाता है, तो वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया। फिर आता इधर से ध्रुव ने वत्सराज को पराजित किया, तो देखा कि वत्सराज जिसने मुझे पराजित किया उसे पराजित कर दिया तो लड़ने से कोई फायदा नहीं, तो धर्मपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया, बोला कि सरेंडर कर दिया, तो ठीक ठाक रहा, कुछ नहीं हुआ, वो वापस लौट गया। जैसे वापस लौटा तो इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। फिर नागभट्ट द्वितीय ने इसको पराजित किया धर्मपाल को, फिर आया गोविंद तृतीय, इसने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया, फिर देखा कि उसको हरा दिया तो हमको तो इसे हरा देगा, फिर आत्मसमर्पण सरेंडर कर दिया, सरेंडर किया, हम हारे हुए ही हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि फिर गोविंद तृतीय वापस चला गया, धर्मपाल ने कंट्रोल कर लिया कन्नौज। इसके बाद कन्नौज कंट्रोल में ही रहा धर्मपाल और देवपाल के। देवपाल की मृत्यु के बाद जब मिहिर भोज ताकतवर बनता है, मिहिर भोज को ही आदि वराह बोला गया है, विष्णु का उपासक था, आदि वराह, उसी को वो आता है, एक अलमसूदी आता है तो वराह बोलने नहीं आता तो बौरा बोलता है कि एक शासक है आदि बौरा, हाँ तो बौरा गया है, तो बौरा जो है शब्द का प्रयोग करता है अलमसूदी, क्लियर। तो मैंने बताया कि प्री मीडियवल में आफ्टर डेथ ऑफ हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई, 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत की शक्ति का केंद्र कन्नौज हो गया, कन्नौज बिकेम द सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड फॉर कंट्रोल कन्नौज, दैट मींस फॉर कंट्रोल नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत पर अधिकार करने के लिए, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तीन शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, क्लियर। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में संघर्ष होता है, इसे ही ट्राई पावर स्ट्रगल कहते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, ट्राई पावर वॉर कहते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष। और इसके बाद इसमें क्या होता है कि जो स्टार्ट भी करता है प्रतिहार और एट लास्ट जाता भी है प्रतिहार के पक्ष। कौन कौन शासक भाग लिया, तो पाल में धर्मपाल भाग लिया, बाद में देवपाल भी कह सकते हैं, देवपाल भी है, तो देवपाल के तो कंट्रोल में ही रहा था। अब प्रतिहार में वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, और राष्ट्रकूट में ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष को कवि राजमार्ग, मतलब कि अमोघ वर्ष ने एक पुस्तक लिखी थी कवि राजमार्ग, ये विद्वान व्यक्ति है, ज्यादा इसको इंटरेस्ट मारपीट में नहीं था, विद्वानों को संरक्षण देता है, इसके दरबार में भी कई विद्वान रहते थे। तो ये याद रखेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, और ये प्री मीडियवल, चूंकि ये क्या है ना, सामंतवाद का उत्कर्ष है, तो अनेक छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। तो लिखिएगा, पूर्व मध्यकाल में अनेक छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, इन प्री मीडियवल मेनी स्मॉल डायनेस्टीज वेयर डेवलप्ड। पूर्व मध्यकाल में अनेक छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, इन प्री मीडियवल पीरियड मेनी स्मॉल डायनेस्टीज वेयर ओरिजिनेटेड वेयर डेवलप्ड।
का विकास हुआ, का उद्भव हुआ, हु वेयर कॉल्ड राजपूत, जिन्हें राजपूत कहा जाता है, हु वेयर कॉल्ड राजपूत, जिन्हें राजपूत कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, राजपूतों के उद्भव के अनेक कारण थे, देयर वेर मेनी रीजंस फॉर ओरिजिन ऑफ राजपूत, राजपूतों के उद्भव के अनेक कारण थे, देयर वेर मेनी रीजंस फॉर ओरिजिन ऑफ राजपूत, इन विच सम इंपॉर्टेंट आर, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं, कुछ प्रमुख हैं। नंबर एक लिखेगा विदेशी आक्रमण, फॉरेन अटैक, विदेशी आक्रमण। नंबर दो लिखिएगा अग्निकुल सिद्धांत, अग्निकुल थ्योरी, अग्निकुल थ्योरी। इट वॉज गिवेन बाय चंद्रवरदाई पृथ्वीराज आसो, आई डिस्क्राइब इन लास्ट क्लास, मैंने पिछले क्लास में इसका इसे डिस्क्राइब भी किया था। पहला विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण में विदेशी जो आ रहे थे, हूण आ रहे थे, कुषाण आ रहे थे, ये सब जो विदेशी आ रहे थे, ये भारतीय भारतीय समाज में शामिल हो जाते हैं, और एज अ क्षत्रिय, क्षत्रिय के रूप में, लेकिन क्षत्रिय टर्म तो वैदिक परंपरा के अनुरूप था, तो ये लोग जो थे, इन लोगों ने एक अपना स्पेशल स्पेसिफिक जो रूप में अपने आप को डेवलप किया, विच वॉज कॉल्ड राजपूत, जिसको राजपूत कहते, तो राजपूत के रूप में ये लोग शामिल होते हैं भारतीय समाज में। तो ये अनेक विद्वान यही मानते हैं कि जो विदेशी थे, तो ये इसी आधार पर बोला जाता है कि राजपूत विदेशी थे, इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। और अग्निकुल सिद्धांत में भी चंद्रवरदाई ने जो कहा है, सेकेंड हो गया अग्निकुल सिद्धांत, लेकिन जो ऑथेंटिक हम मानते हैं, जिसको जिसको ऑथेंटिक प्रमाणिक माना जाता है, वो सामंतवादी व्यवस्था का परिणाम था। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडल सिस्टम का रिजल्ट था, फ्यूडलिज्म का रिजल्ट था, कि जहां राजा के नीचे राजा का कॉन्सेप्ट आ गया, सामंतों का उदय हो गया, और यही सामंत बाद में राजपूत कहलाए। क्लियर? तो ये सबसे ऑथेंटिक है, हालांकि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। अग्निकुल सिद्धांत, अग्निकुल थ्योरी वॉज गिवेन बाय चंद्रवरदाई इन हिज बुक पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में, चंद्रवरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में अग्निकुल सिद्धांत का वर्णन किया है। अग्निकुल थ्योरी वॉज गिवेन बाय चंद्रवरदाई इन हिज बुक पृथ्वीराज रासो। इसी में बोल मैंने बताया था, जब धर्म की क्षति हो रही थी, वेन रिलीजन वॉज इन ट्रबल, इन प्रॉब्लम, रिलीजन वॉज डिस्ट्रॉयड, जब धर्म को नष्ट किया जा रहा था, धर्म की क्षति हो रही थी, तो बोला जाता है कि धर्म की रक्षा करने के लिए, टू प्रोटेक्ट रिलीजन, धर्म की रक्षा करने के लिए, टू प्रोटेक्ट रिलीजन, देयर वाज अ यज्ञ ऑर्गेनाइज्ड ऑन माउंट आबू। तो माउंट आबू में एक यज्ञ का आयोजन किया गया, दैट यज्ञ वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ, तो वशिष्ठ के द्वारा उस यज्ञ का आयोजन किया गया। बोला जाता आफ्टर दैट यज्ञ, उस यज्ञ से 4 राजपूत डायनेस्टीज वेयर ओरिजिनेटेड, 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई, 4 राजपूत राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई। और ये कौन कौन थे? परमार, ये थे परमार, प्रतिहार, चालुक्य एंड चौहान, चौहान। अच्छा आप देखिए, ये यज्ञ कहां हो रहा है, इसको थोड़ा सा मैप में अगर आपके दिमाग में हो, यज्ञ कहां हो रहा है? राजस्थान क्षेत्र में, यहां पर यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है यहां पर, ठीक है। तो ये जो 4 वंश है, वो 4 वंश कौन कौन है? ये चौहान है, ये राजस्थान क्षेत्र में ये प्रतिहार है, ये चालुक्य है, और ये परमार है। सब उसी के आसपास का क्षेत्र। परमार कहां है? मालवा में है, राजा भोज, परमार वंश का सबसे पॉपुलर शासक हुआ राजा भोज। चालुक्य कहां? अनिलवार के चालुक्य, अनिलवार के चालुक्य, अनिलवार के चालुक्य में मूलराज है, मूलराज प्रथम, मूलराज द्वितीय, तो मूलराज है, मूलराज को ही, मूलराज के बाद आता है भीम, भीम द्वितीय को ही मूल
मूलराज भीम नहीं, भीम द्वितीय को ही मूलराज द्वितीय भी बोला जाता है, जिसने कि पराजित किया था। पहला जो भीम प्रथम था ना, उसके समय में अटैक किया था महमूद गजनवी, तो भीम प्रथम भाग गया, बड़ा भीम था, उसका भीम द्वितीय आया, छोटा भीम आया, वो पटक पटक के मारा, देखते ही होंगे सीरियल में, छोटा भीम पटक पटक में मारता है। तो भीम द्वितीय जो था वो पावरफुल था, और भीम द्वितीय के समय में, तो यहां पर याद रखेंगे तो ये अनिल वार के चालुक्य हो गए, परमार हो गए, यहां हो गए प्रतिहार, ये हो गए चौहान। दिल्ली अजमेर का क्षेत्र जो है चौहानों का क्षेत्र है, चौहान। और चूंकि इन्हीं के दरबार में था चंद्रवर्धन, तब जिनकी रोटी खा रहा है उनका गुणगान तो करेगा ही, तो खूब गुणगान करता है। पृथ्वीराज रासो पुस्तक की रचना की चंद्रवर्धन ने। हालांकि एक व्यक्ति है जैनक जिसने पृथ्वीराज विजय पुस्तक की रचना की। इस पीरियड की एक विशेषता यह भी है कि इट वॉज द डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल, जो ये जो है ना, जो सांस्कृतिक उत्थान का काल भी था, डेवलपमेंट ऑफ जो कल्चर भी कह सकते हैं, तो संस्कृति के उत्थान का काल था, तो टाइम पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, तो ये सांस्कृतिक उत्थान का काल है, कल्चरल डेवलपमेंट का पीरियड है, तो राजपूत काल। क्लियर? तो तीन थ्योरी मुख्य रूप से है, एक विदेशी आक्रमण, विदेशी लोग आए और वो भारतीय पृष्ठभूमि में बस गए, भारतीय संस्कृति में बस गए, एक्सेप्टेड इंडियन कल्चर एंड दे वर कॉल्ड राजपूत्स, एक थ्योरी। दूसरा थ्योरी है अग्निकुल सिद्धांत, जिसमें बोला जाता है, और अग्निकुल सिद्धांत के आधार पे ही कर्नल टाड ये बोले क्या कि ये आग से थोड़े ना कोई निकलेगा, ये तो बाहर से आ गए थे, वो यज्ञ जला के शुद्धिकरण करा के भारतीय संस्कृति में शामिल हो गए। बोले अभी भी देखिएगा, बाद में आप देखिएगा विजयनगर साम्राज्य में हरिहर और बुक्का जो है वो इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेता है। वो फिर से जब साउथ जाता है तो उनके गुरु जो थे विद्यारण्य और सायन, उन लोगों ने मिलकर उसका शुद्धिकरण करवाया, फिर से हिंदू धर्म में शामिल किया। तो इस तरह से अब, लेकिन यही बाद में ये परंपरा देखिए, अक्सर क्या होता है ना, हिंदू धर्म में आरोप लगाया जाता है कि इस्लाम प्रचार प्रसार कर रहा है, ईसाई प्रचार प्रसार कर रहा है। लेकिन आप देखिएगा तो हिंदू रिलीजन में एक कॉन्सेप्ट था, प्राचीन भारत में देखिएगा हिंदू धर्म का दरवाजा बंद रहता था, मतलब कि दरवाजा बंद मतलब क्या कि वो जैसे टायर में क्या होता है, वाल्व लगा रहता है ना, जाने का रास्ता रहता है, निकलने का रास्ता नहीं रहता, वही था हिंदू धर्म। निकलने का बार बार बातें बात पर धर्म से निकाल देता था, बात बात पे ही धर्म से निकाल दिया जाता था, धर्म से निकलने का रास्ता था, धर्म में शामिल होने का कोई रास्ता नहीं था, क्लोज था। अब बाकी रिलीजन क्या, वो स्वागत करते थे, निकला वो तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, तो बाकी धर्म का प्रचार प्रसार खूब हुआ। अगर हिंदू धर्म में भी ये कॉन्सेप्ट रहता प्राचीन काल से, तो मुझे लगता है कि फिर बाकी रिलीजन को आने का मौका ही नहीं मिलता, बाकी को उतना डेवलप होने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन यहां क्या है, यहां इतना भेदभाव था, जात पात है, प्लस क्या है कि बात बात में धर्म से निकाल देंगे। अब यहां पर क्या है, बाद में देखिएगा अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह, जब राजपूत काल के बाद, इस राजपूत काल में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी होता है, और अनुलोम प्रतिलोम का मतलब उच्च जाति का पुरुष और निम्न जाति की महिला। उच्च मतलब क्या, ब्राह्मण अगर ये है पुरुष है, और या क्षत्रिय पुरुष है, और यह वैश्य या शूद्र महिला है, तो अनुलोम का मतलब ये हुआ, और प्रतिलोम मतलब उल्टा, महिला उच्च और पुरुष निम्न जाति। तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह जब हुआ तो संकर जाति की संकल्पना आई। इसी पीरियड में आप देखिएगा कि राजपूत काल की कुछ और विशेषताएं हैं, और इसी में आप देखेंगे दो चीज, मतलब गुप्तोत्तर काल के बाद, गुप्तोत्तर काल और राजपूत काल का जो ये संक्रमण फेज है, इसी में आप देखिएगा कई नई जातियों की उत्पत्ति हुई। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली जो हो पाए, तो सबसे शक्तिशाली अगर हो पाए तो जो एक तरह से बोला जाता है इसी पर, हालांकि परशुराम के वंशज माने जाते हैं, लेकिन जो है वो भूमिहार जाति की उत्पत्ति भी होती है ब्राह्मण और क्षत्रिय से, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के गुण। तो इसी तरह से जैसे आप देखेंगे कास्टों की उत्पत्ति होती है, तो जितने पढ़े लिखे लोग थे वो सब शामिल हो गए, तो वो उन्होंने एक जाति बना लिया, वो कास्ट हो गए। मतलब कायस्थ जाति की जो उत्पत्ति हुई वो ये हुई कि ये जो वर्ण संकर की संकल्पना आई ना, जब उच्च जाति निम्न जाति के बीच विवाह हो रहा है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, वर्ण संकर हो रहा है, और इस वर्ण संकर को ये जो हाइब्रिड प्रजाति है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ब्राह्मण रिलीजन।
मतलब ब्राह्मण रिलीजन इसको जो क्या बोल सकते हैं, सर्वोच्चता नहीं दे रहा है। लेकिन ये क्या है, अगर मान ले रहे एक शूद्र है और एक ब्राह्मण या क्षत्रिय है, तो एक पढ़ा लिखा माता पिता में से कोई पढ़ा लिखा तो बच्चे को तो पढ़ा लिखा ही देंगे। तो ऐसे में पढ़े लिखे लोग कुछ आ गए जिसको कि शूद्र की श्रेणी में रखा गया, और ऐसे लोग क्या करने लगे, ऐसे लोग जो मुंशीगिरी का काम यानी कि राजा महाराजा के यहाँ लिखने का काम करने लगे। अब इनके पास नॉलेज है, टैलेंट है, अब ये सारे के सारे, लेकिन इनको दर्जा नहीं दिया गया। तो इन लोगों ने अपने आप को एकजुट किया, और ये जब एकजुट हुए तो इसी से कायस्थ जाति की उत्पत्ति हुई। याज्ञवल्क्य स्मृति और ओसनम स्मृति में इसका उल्लेख मिलता है, दो स्मृति में इसका उल्लेख मिलता है। तो यही देखिएगा कि यहां पर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सामाजिक संरचना काफी जटिल होती जा रही है, वर्ण संकर की संकल्पना आ जा रही है। कल्चरल डेवलपमेंट इस अर्थ में है कि शान से जीने का कॉन्सेप्ट, राजपूत शान से जीने का कॉन्सेप्ट है, मतलब यह कि पीठ पर वार नहीं करेंगे। अगर पृथ्वीराज चौहान चाहता तो मोहम्मद गौरी को मार सकता था, लेकिन नहीं, पीठ पर वार नहीं करना है, यह राजपूती शान के खिलाफ। अगले बार आया तो कोई मर्सी नहीं, हाथी से कुचलवा दिया उसको। अब कुचलवाने के बाद भी वो मर गया है, लेकिन फिर भी ये चंद्रवरदाई जो है ये सोचा भविष्य में लोग मेरी किताब पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि पृथ्वीराज चौहान नहीं मरा, वो मार दिया मोहम्मद गौरी को, शब्द वेदीवान चला के मार दिया। तो कहानी वहानी गढ़ करके रख दिया जो इतिहास नहीं है, जिसको बहुत लोग गौरव गाथा के रूप में कहते हैं कि नहीं आंख निकाल दिया गया, शब्द वेदीवान चलाना जानता था, वो चार गज चौबीस अंगुल कुछ है ना, चार बांस चौबीस गज अंगुल अष्ट प्रधान, और उसी पर है कि सुल्तान है मत चुको चौहान, कुछ इस तरह का जो इस तरह की जो बात की गई है, ये कहीं ना कहीं मनगढ़ंत बात है। क्योंकि जो ऐतिहासिक तथ्य वो ये बताता है कि जब पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा गया तो उसको हाथी से कुचलवा दिया गया, उसको मार दिया गया। तो इस तरह से मतलब उसको ऐसा थोड़े कि वो शब्द भेदी बांध चलाना, तो ये चंद्रवरदाई जो है इसका वर्णन करता है चंद्रवरदाई। अब देखिए यही जो पड़ता है इसका स्टार्ट ही तो देखिए, उसी में तो लॉजिक नहीं है। आग से निकलेगा चार राजपूत, चार राजपूत वंश आग से निकलेगा, अग्निकुल सिद्धांत, तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है जो यहां पर, चूंकि बढ़ा चढ़ा कर कहने की यहां पर आदत हो गई लोगों को, तो यही है। और इसी कारण से जो अगर देखा जाए तो इस्लाम का आगमन अगर भारत में हुआ, यही अगर लॉजिक होकर सोचिएगा ना, तो यह धार्मिक अनुवाद, ये जो जातिगत भेद, ये सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए इतिहास पढ़ने के बाद आप केवल मानव जाति के रह जाते हैं, और एक ही धर्म है जो वैश्विक धर्म है, जो एक तरह से देखा जाए जो नेचुरल धर्म है, प्राकृतिक धर्म है, उसके रह जाइएगा। चलिए तो इसके बाद हम लोग देखते हैं राजपूत काल में कौन कौन से वंश हैं, सारे वंश को देख लेते हैं, और कुछ 17-18 वंश हैं, 3, 3-6, 3-9, 3-12, 13-14, 15-16, इतना सारा मैप में जैसे जैसे मुझे याद हो गया, मुझे मैप बनाइएगा मैप में। जैसे देखिए कश्मीर में तीन वंश है, कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। कारकोट, उत्पल, लोहार, अभी याद ही करवा दूंगा आप लोगों को। कारकोट, उत्पल, लोहार, तीन वंश है कहां, कश्मीर में। कश्मीर में तीन वंश है, कारकोट, उत्पल, लोहार। मुल्तान वाला क्षेत्र, पश्चिमोत्तर वाला क्षेत्र, इसमें शाही वंश, इसी को हिंदू शाही वंश भी बोलते हैं। दिल्ली अजमेर, अभी बार बार चर्चा हो रही है, दिल्ली अजमेर चौहान वंश, और चौहान वंश के बाद देखिए कन्नौज के क्षेत्र में गढ़वाल वंश, हालांकि गढ़वाल थोड़ा ऊपर हो गया, कन्नौज थोड़ा नीचे है, गढ़वाल वंश। पश्चिम में प्रतिहार वंश, राजपूत वाला जो क्षेत्र है उसमें प्रतिहार वंश। ये बुंदेलखंड में चंदेल वंश, खजुराहो का मंदिर इन्होंने ही बनवाया था, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेलों ने करवाया था, यशो वर्मन था जिसने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था, विष्णु मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर, क्या जूम कर दे, अच्छा इसके बाद इसके बाद लॉक होने से दिक्कत है, अच्छा ठीक। चलिए तो इतने वंश हैं इस काल में, ढेर सारे वंश हैं एकदम प्योर साउथ में। आप तमिलनाडु का क्षेत्र देखें तो यहां पर चोल और पल्लव हैं, पहले पल्लव आए फिर चोल आए,
तो सब के बारे में, एक एक के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु था, सिंह विष्णु के दरबार में भारवी था, भारवी जिसने किरात अर्जुन यम पुस्तक की रचना की थी। किरात अर्जुन, वो कहानी है कि अर्जुन को गांडीव चाहिए महाभारत युद्ध लड़ने के लिए, वही किरात अर्जुनियम ही है, किरात अर्जुनियम। तो किरात अर्जुनियम पुस्तक में क्या है कि अर्जुन को गांडीव चाहिए था, वो धनुष, अर्जुन का धनुष है ना गांडीव, वो चाहिए था लड़ने के लिए, महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए। तो वो जाते हैं कैलाश पर्वत साइड शिव जी से मांगने के लिए गांडीव। तो शिव सोचते हैं कि ये उस लायक है कि नहीं, इसकी परीक्षा ली जाए। तो किरात एक जंगली के रूप में वो आते हैं और दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसमें वो प्रभावित करता है और तब जाकर के उसको गांडीव मिलता है। ये कहानी जो है भारवी ने लिखा था, जो चोल वंश का शासक सिंह विष्णु के दरबार में था। ठीक है, तो यहां पर इतने राजवंश हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में आप लोग नोट्स रखिएगा साथ में, क्या कि नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा कि एक एक वंश को नोट्स के थ्रू मैं चलूंगा। अभी अभी पहले आउटलाइन मीडियवल का नहीं मिला है, मीडियवल का मिल जाएगा, रखा हुआ है। जितने लोगों का मतलब कि जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया सबको मिल जाएगा, है तैयार है। और वो मेटेरियल ले लीजिएगा, मेटेरियल नहीं अभी तो मैं बता दे रहा हूं, अभी पूरी तरह से दिमाग बैठा दे रहा हूं, लेकिन इसके बाद इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। तो एक बार देखिए, वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके एक एक चीज को याद करना है। सबसे खतरनाक सेक्शन है ये वाला, इसमें क्या इतने राजवंश हैं कि दिमाग की खिचड़ी हो जाती है। तो ऐसे में इसको याद करने का तरीका थोड़ा साइंटिफिक ढंग से, पहले तो मैं इसको आपके दिमाग में डाल रहा हूं अभी, और फिर वन बाय वन करके सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर? तो हम लोगों ने किया राजपूत काल। राजपूत काल में मतलब इसमें अनेक वंश थे, देयर वर मेनी डायनेस्टीज इन दिस पीरियड। इस काल में अनेक वंश थे, कश्मीर में तीन वंश है, कारकोट उत्पल लोहार। एकदम दिमाग बैठाइए ना, कश्मीर में तीन वंश अलग अलग करके मैप में बैठा लीजिएगा ना, दावा मेरा गारंटी है कि आप भूलेंगे नहीं। एक तो मैप में जाकर के, घर में भी मैप में जाकर बैठा लीजिए, कश्मीर में कारकोट उत्पल लोहार, कारकोट उत्पल लोहार, कारकोट नाम से ही लग रहा है, कारकोट दुर्लभ टाइप का लग रहा है ना, दुर्लभ टाइप का लग रहा है कारकोट। इसका संस्थापक है दुर्लभ वर्धन, नाम ही लग रहा है कारकोट दुर्लभ, तो दुर्लभ वर्धन इसका संस्थापक है। उत्पल वंश का संस्थापक है अवंती वर्मन, संस्थापक है अवंती वर्मन। लोहार, उस समय लोहार क्या करता था, हथियार बनाता था, उसे संग्राम होता था। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज। ठीक है, तो देखिए तीन, कारकोट उत्पल लोहार, तीन वंश है कश्मीर में, कारकोट उत्पल लोहार, कारकोट वंश का संस्थापक कौन है दुर्लभ वर्धन, उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन, लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज। क्लियर? इसके बाद शाही वंश, इसी को हिंदू शाही वंश बोलते हैं, मुल्तान वगैरह, मुल्तान वाला जो क्षेत्र है, मुल्तान और पंजाब का क्षेत्र है, इस साइड का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यही शाही वंश के शासक ही, इसका जो संस्थापक था वो था कल्लर, इसका संस्थापक है कल्लर। कोक्कल था कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल, इसका है कल्लर। हालांकि शाही वंश पता है, शाही वंश के शासकों ने ही महमूद गजनवी से लड़ने के लिए यूनियन ऑफ राजपूत बनाया, राजपूतों का संघ बनाया था, जिसमें चंदेल शासक धंग और चंदेल शासक गंड भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। एक्चुअली जो शाही वंश का शासक था जयपाल और आनंदपाल, हालांकि लास्ट में त्रिलोचन पाल है जो कि उतना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन जयपाल और आनंदपाल ने क्या किया था, राजपूतों का संघ बनाया था, धंग और गंड भाग लिया था। जब ये लोग हार गए तो जाकर सुसाइड कर लिए, हारते थे तो सुसाइड कर लेते थे, तो ये सुसाइड कर लिए, लेकिन नहीं सुसाइड करते, फिर से और संगठित होते तो शायद इस्लामी राज्य की स्थापना ही नहीं होती, लेकिन ये हारते थे तो हार मान लिए, जाकर के सुसाइड कर लिए। चौहान वंश, तो क्लियर, कश्मीर में तीन वंश, कारकोट उत्पल लोहार, कारकोट का संस्थापक दुर्लभ वर्धन, उत्पल का अवंती वर्मन, लोहार वंश का संग्राम राज, और शाही वंश का कल्लर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उसके बाद दिल्ली अजमेर के क्षेत्र में चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव।
वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक, क्लियर? तो चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव, वासुदेव चौहान वंश का। चौहान वंश के बाद कन्नौज क्षेत्र में गहरवाल वंश, कन्नौज क्षेत्र में गहरवाल वंश, गहरवाल वंश का संस्थापक है चंद्रदेव, 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 दोनों अड़ोसी पड़ोसी है। यही चौहान वंश का शासक था पृथ्वीराज चौहान, जो गहरवाल वंश के शासक जयचंद्र की पुत्री संयोगिता को लेकर भाग गया, ठीक है? तो चौहान वंश, यही चौहान वंश है, चौहान वंश, चौहान वंश जिसमें पृथ्वीराज चौहान। और यही कारण है कि जयचंद्र ने मदद नहीं की, जयचंद्र ने मदद नहीं की, तो मदद नहीं की, अब वहां तो शान चला गया था। अब प्राचीन भारत रहता तो प्राचीन भारत में तो शादी हो गया तो दामाद की तो बहुत खातिरदारी होती थी, दान दहेज खूब मिलता था। लेकिन यह राजपूत काल है, यह शान चला गया कि उठा के लेके चला गया। एक्चुअली हालांकि स्वयंवर ही हो रहा था, लेकिन स्वयंवर हो रहा था और उसमें जो है सो ये द्वारपाल बन गया था। आपको स्टोरी है, स्टोरी नहीं पढ़ना है हम लोग को, इतिहास पढ़ना। तो यहां पर चौहान वंश का शासक, चौहान वंश का संस्थापक है वासुदेव और गढ़वाल वंश का शासक है चंद्रदेव। हालांकि गोविंद चंद्र जो है इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था गढ़वाल वंश का। और जयचंद्र जो है, जयचंद्र के समय में अनेक राइटर हुए, अनेक लेखक हैं उसके समय में, लक्ष्मीधर वगैरह है। चलिए तो यहां पर देखेंगे गढ़वाल वंश, गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव, क्लियर? कारकोट वंश का दुर्लभ वर्धन, उत्पल वंश का अवंती वर्मन, लोहार वंश का संग्राम राज और शाही वंश का कल्लर, इसके बाद चौहान वंश का वासुदेव और गढ़वाल वंश का चंद्रदेव, गढ़वाल वंश का चंद्रदेव। अब है बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेल वंश, बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेल वंश, इसका संस्थापक है नन्नुक, नन्नुक। हालांकि देखिए संस्थापक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा है ना, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग, ये सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेकिन याद रखेंगे सबको, मिलाने वाला क्वेश्चन दे सकता है कौन किसका संस्थापक, कौन किस क्षेत्र में भी है। तो कश्मीर में तीन, कारकोट उत्पल लोहार, शाही वंश उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मुल्तान वाले क्षेत्र में, चौहान वंश दिल्ली अजमेर में, चौहान वंश दिल्ली अजमेर में, चौहान वंश, और कन्नौज में गढ़वाल वंश, कन्नौज में गढ़वाल वंश। और इसके बाद है चंदेल वंश, चंदेल वंश बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में संस्थापक नन्नुक, संस्थापक नन्नुक, संस्थापक नन्नुक। प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश में दो संस्थापक बोला जाता है, एक सीयक बोला जाता है, दूसरा उपेंद्र राज बोला जाता है। सीयक या उपेंद्र राज, सीयक या उपेंद्र राज इसका संस्थापक बोला जाता है। अच्छा अच्छा जी, यह गड़बड़ हो गया, यहां हरिश्चंद्र है, इसका संस्थापक हरिश्चंद्र, प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र, प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र बोला जाता है ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, वही हो जाता है। तो हाँ मैं बोलता भी हूं, कई बार लोग बोलते हैं कि सर बड़ी कंफ्यूजन हो रहा, तो मैं बोलता हूं अच्छी स्थिति है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो अच्छी स्थिति है, क्योंकि बताता है मोर स्टडी कर रहे हैं आप, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, ठीक है? बिना स्टडी किए हुए कंफ्यूजन होगा ही नहीं, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। अब हाँ, ज्यादा पढ़िएगा तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा, इसीलिए मैं बोलता हूं कि मोर रिवीजन लेस कंफ्यूजन देन सिलेक्शन। तो मोर रिवीजन करना है और यही मैंने करवा रहा हूं। मैक्सिमम लोग जो 67वीं बीपीएससी दे रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ रखे हैं, ठीक ठाक पढ़ रखे हैं, लेकिन वो है कि कुछ नंबर से छूट जा रहा है, तो इसी कारण से कोचिंग क्लास ज्वाइन किया है, तो वही काम मैं कर रहा हूं। अदरवाइज फाउंडेशन बैच में आइए, वो बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं, हड़प्पा काल पढ़ाने में चार दिन लगेगा या एक दिन में खत्म। तो वही चीज है, टारगेट है, यहाँ टारगेट किया जा रहा है कि 67वीं बीपीएससी को, एक वीडियो भी अपलोड कल वाला हुआ है जो फाउंडेशन बैच का है सिंधु घाटी, देखिए कि कितना धीरे पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं। तो फाउंडेशन का मतलब है कि एकदम आराम से पूरा बेस को मजबूत करना, नींव मजबूत करना है ना। और यहां क्या है, यहां फटाफट दौड़ाना है, यहां दौड़ाना है, तब ना दौड़ की प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आए हैं। तो जितनी ज्यादा हो सके दिमाग बैठाइए, कारकोट उत्पल लोहार कहां, कश्मीर में, कारकोट उत्पल लोहार कश्मीर में, शाही वंश कहां, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, मुल्तान वाले क्षेत्र में, और कारकोट का संस्थापक दुर्लभ वर्धन, अब उत्पल का अवंती वर्मन, और लोहार वंश का संग्राम राज, शाही वंश का कल्लर, कल्लर, चौहान वंश का वासुदेव, चौहान वंश का वासुदेव, चौहान वंश का वासुदेव, और उसके बाद गढ़वाल वंश का चंद्रदेव, गढ़वाल वंश का चंद्रदेव, प्रतिहार वंश का हरिश्चंद्र, या वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम,
इसी में आता है, कहीं कहीं नागभट्ट प्रथम भी दिया रहता है, नागभट्ट प्रथम, चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक, चंदेल वंश नन्नुक, चंदेल वंश नन्नुक, परमार वंश का है सीयक या उपेंद्र राज, सीयक ऑब्लिक उपेंद्र राज, कहीं कहीं सीयक लिया था, ज्यादातर उपेंद्र राज, उपेंद्र राज संस्थापक है परमार वंश का, परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज, उपेंद्र राज सीयक उपेंद्र राज, क्लियर। इसके बाद राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, प्रतिहार परमार राष्ट्रकूट, प्रतिहार है राजस्थान वाला जो क्षेत्र है ना, राजस्थान मतलब पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में प्रतिहार है, राजस्थान का कुछ क्षेत्र, कुछ क्षेत्र यूपी, पश्चिमी यूपी का कुछ, एमपी का क्षेत्र, कुछ गुजरात का क्षेत्र, तो प्रतिहार इस क्षेत्र में है, मेनली वो राजस्थान वाला जो क्षेत्र, राजस्थान और यूपी एमपी वाला जो क्षेत्र है उसमें है। अब परमार है एमपी में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में मालवा वाला क्षेत्र में, परमार जो है मालवा वाले क्षेत्र में, मालवा वाले क्षेत्र में, सबका क्षेत्र भी अभी मैं बताऊंगा, वो भी पीपीटी बना हुआ है, आगे करना है। अभी आज की क्लास का मेन मकसद यही है कि ये पूरा राजपूत वंश आपके दिमाग में चला जाए, एक बार दिमाग में बैठ जाए, और किस क्षेत्र में था, कौन संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है दंती दुर्ग, सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन, सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर्स में देखिएगा, दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। कलचूरी वंश का संस्थापक कोक्कल, कोक्कल, अच्छा ये जो कलचूरी है ना, ये कर्नाटक वाला कलचूरी है, हालांकि एक एमपी में भी कलचूरी है, मध्य प्रदेश में भी एक कलचूरी है, मध्य प्रदेश में भी, लेकिन ये कर्नाटक वाले कलचूरी है। कलचूरी वंश का संस्थापक कोक्कल, 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 को का आधा ला पूरा ला, कोक्कल, तो कोक्कल है कलचूरी वंश का संस्थापक। और यही त्रिपुरी है ना, त्रिपुरी इसकी राजधानी थी, त्रिपुरी, तो सबके बारे में करेंगे। तो ये कर्नाटक त्रिपुरी में कलचूरी वंश है, कलचूरी वंश है। इसके बाद पाल वंश, पाल वंश का संस्थापक गोपाल, ये दोनों बंगाल में है, पाल और सेन को बंगाल में है, पाल और सेन बंगाल, बंगाल बिहार वाला क्षेत्र, बंगाल बिहार वाला क्षेत्र है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने किया था, ये जो भागलपुर वाला क्षेत्र है, तो ये सब जो है, तो ये पाल वंश, बिहार बंगाल, बंगाल बिहार, बंगाल बिहार में पाल वंश, पाल वंश का संस्थापक गोपाल, फिर आया धर्मपाल, फिर आया देवपाल। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन, सामंत सेन संस्थापक था, सामंत सेन वॉज द फाउंडर, शक्तिशाली शासक था विजय सेन और लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन विजय सेन, सब विद्वान भी था। और उसके बाद जो है सो चोल वंश, अच्छा सेन वंश, सेन वंश का शासक विजय सेन के बारे में चर्चा हो चुकी है पहले, देवपारा अभिलेख, धोई ने देवपारा अभिलेख लिखा है विजय सेन से संबंधित, सेन वंश का शासक। और यहां चोल वंश और पल्लव, तो पहले पल्लव है, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु, और चोल वंश का संस्थापक विजयालय, 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 हालांकि एक चोल पहले भी था, करिकाल वाला, करिकाल वाला एक चोल संगम काल में भी था, लेकिन यह चोल विजयालय का चोल है, इसलिए इसको विजयालय का चोल बोला जाता है। 750 ईस्वी में विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी, तो यह विजयालय का चोल है, विजयालय का चोल है। और इसी में शासक है राजराज प्रथम, राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना की थी, और उसी में राजेंद्र चोल, जिसने श्रीलंका तक के क्षेत्र को, श्रीलंका के क्षेत्र को जीता, वहां की राजधानी जो अनुराधापुर थी उसको बदल के पलनरवा को राजधानी बनाया था, पलनरवा को राजधानी बनाया था। तो ये हाँ, तो यहां पर जो है चोल वंश, चोल वंश, चोल वंश का ही शासक जो राजेंद्र चोल था ना, उसने बंगाल के क्षेत्र को जीता था, उसमें महिपाल शासक था, पाल वंश का दूसरा संस्थापक महिपाल, तो महिपाल था, उसमें आक्रमण किया था राजेंद्र चोल ने, कहां पर, बंगाल में, बंगाल तक के क्षेत्र को जीता था, तो बंगाल में क्या, गंगा नदी के तट तक आया था, तो गंगा तक के क्षेत्र को जीता था। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, कोंड मतलब होता है विजेता, कोंड मतलब होता है विजेता, जैसे मदुरई कोंड मतलब मदुरई का विजेता, गंगई कोंड मतलब गंगा तक का विजेता, गंगई कोंड चोल यानी गंगा को जीतने वाला चोल शासक, और इसी के स्थान, इसी के आधार पर गंगई कोंड चोलपुरम नामक शहर का स्थापना किया था राजेंद्र चोल ने। क्लियर, तो ये याद रखेंगे, चोल वंश का संस्थापक विजयालय, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु,
श्री विष्णु, ठीक है। तो इतने शासक हैं, एक बार और इसको फिर चलिए सबको अलग अलग ये में देख लेते हैं। कारकोट वंश कहाँ है? कश्मीर। कश्मीर में कारकोट वंश, इसका संस्थापक दुर्लभवर्धन। उत्पल वंश कश्मीर, इसका संस्थापक अवंती। अच्छा चालू क्यों नहीं बताए? अच्छा 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 चलिए बता देते हैं, तो गड़बड़ हो गया है। चालुक्य, देखिए चालुक्य के बारे में याद रखिएगा, चालुक्य की चार शाखाएं हैं। चालुक्य की ऐसे चालुक्य की तीन ही शाखा है, चालुक्य की तीन शाखा है और तीसरा से चौथा की उत्पत्ति हुई है। तो चालुक्य की तीन शाखाएं हैं, चालुक्य की तीन शाखाएं हैं। चालुक्य कौन कौन? एक अनहिलवाड़, कल्याणी, वातापी, बादामी। अनहिलवाड़ के चालुक्य, अनहिलवाड़, अनहिलवाड़ के चालुक्य, फिर है कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, और फिर वातापी बादामी के चालुक्य, वातापी या बादामी के चालुक्य। तीनों क्षेत्र याद रखिएगा। तो एक हो गया अनहिलवाड़, फिर अनहिलवाड़, अनहिलवाड़, कल्याणी बता रहे हैं ना, वातापी बादामी, वातापी बादामी से ही बेंगी के चालुक्यों का विकास हुआ। इसी से बेंगी के चालुक्यों का विकास हुआ, बेंगी का जो डेवलपमेंट है वातापी बादामी से ही। ये है कहां? ये गुजरात क्षेत्र में है, अनहिलवाड़ गुजरात में है। कल्याणी कहां है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। वातापी बादामी कहां है? कर्नाटक में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आंध्रा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका अनहिलवाड़ के चालुक्य का संस्थापक है मूलराज, मूलराज। और कल्याणी के चालुक्य का संस्थापक है तैलप द्वितीय, तैलप द्वितीय। वातापी बादामी के चालुक्य का संस्थापक है पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम। और बेंगी के चालुक्य का संस्थापक है विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन। क्लियर? तो चालुक्य की चार शाखाएं, तीन शाखाएं, और तीसरी शाखा से ही चौथी शाखा का विकास हुआ। जो तीसरी शाखा वातापी या बादामी, इसी से बेंगी का विकास हुआ, बेंगी का विकास हुआ। क्लियर? तो चालुक्य वंश में के अंतर्गत, चालुक्य वंश के अंतर्गत, चालुक्य वंश के अंतर्गत, तो चालुक्य देख रहे हैं यहीं पर यह फिगर बना हुआ है। तो एक हो गया गुजरात क्षेत्र में, एक हो गया महाराष्ट्र क्षेत्र में, और एक हो गया कर्नाटक क्षेत्र में, कर्नाटक क्षेत्र में। और वातापी बादामी से ही, वातापी बादामी का ही शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने 630 ईस्वी में हर्षवर्धन को पराजित किया। और ये जो अनहिलवाड़ के चालुक्य हैं, इसी में सबसे इंपॉर्टेंट विक्रमादित्य षष्ठ, विक्रमादित्य षष्ठ के समय में कला संस्कृति का, साहित्य का खूब विकास हुआ। विक्रम बेताल कहानी, सिंहासन बत्तीसी कहानी, ये सब कहानी शायद संभवतः उसी से संबंधित है। विक्रम, विक्रमादित्य षष्ठ, विक्रमादित्य षष्ठ, विक्रमादित्य षष्ठ के ही दरबार में विल्हन नामक लेखक था जिसने विक्रमांक देव चरित पुस्तक की रचना की, विक्रमांक देव चरित पुस्तक की रचना की। किसने? विल्हन ने, विल्हन ने। क्लियर? अब हो गया ना कंप्लीट, अब आगे बढ़ा जाए। चलिए अब एक बार फिर से सबको देख लेते हैं। कश्मीर में तीन वंश हैं, कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। कारकोट वंश का संस्थापक, कारकोट वंश का संस्थापक कौन है? दुर्लभवर्धन। कारकोट वंश का संस्थापक कौन है? दुर्लभवर्धन। हाँ, किसका भाग है? चालुक्य का ही भाग है? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली अग्निकुल सिद्धांत से चार राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई, वो अलग है। परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान, वो चार राजपूत वंश हैं। बोला जाता इन्हीं चारों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, तो वो चार अलग है, ठीक है। तो आप यहां देखेंगे कारकोट वंश कहां है? कश्मीर में। उत्पल वंश कहां है? कश्मीर में। लोहार वंश कहां है? कश्मीर में। कारकोट वंश का संस्थापक दुर्लभवर्धन, उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन, और लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज। क्लियर? ये याद रहेगा। इसके बाद आते हैं हम लोग लोहार वंश।
लोहार वंश का, ये नहीं लोहार वंश, चौहान वंश, चौहान वंश दिल्ली और अजमेर क्षेत्र में, और इसका संस्थापक है वासुदेव, इसका संस्थापक है वासुदेव। इसके बाद आता है, इसके बाद आता है चंदेल वंश। चंदेल वंश कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड, इसी एरिया को जेजाक भुक्ति भी बोला जाता है, जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड क्षेत्र में। और इसका संस्थापक है नन्नुक, नन्नुक। चंदेल वंश का शासक जो था यशो वर्मन, जिसने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था, खजुराहो के। अच्छा एक चीज और याद रखिए, अनहिलवाड़ के चालुक्य को ही सोलंकी चालुक्य भी बोलते हैं, अनहिलवाड़ के चालुक्य को सोलंकी चालुक्य कहते हैं। माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर सोलंकियों ने बनवाया था, माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर सोलंकियों ने बनवाया था, यानी अनहिलवाड़ के चालुक्यों ने बनवाया था। किस जैन तीर्थंकर से जुड़ा हुआ? नहीं नहीं नहीं, जैन क्या क्या, ऋषभदेव, तो ऋषभदेव को ही आदिनाथ बोलते हैं, आदिनाथ मतलब जो फाउंडर थे, फाउंडर थे, पहला तीर्थंकर थे ऋषभदेव या आदिनाथ, उसी से संबंधित। सब गूगल मार लीजिए, गूगल मार लीजिए, ठीक है, गूगल नहीं यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बहुत कुछ मैं तो बोलता हूँ कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, बहुत सारा चीज़ आप लोगों से सीख जाता हूँ। अलग बात है कि एक बार में ही बैठा तो नेट निकल गया हिस्ट्री से, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन कहने करते कि जितना नॉलेज है, नॉलेज का कोई लिमिट नहीं। हाँ नहीं नहीं नहीं, हिस्ट्री से भी पीएससी हार्ड नहीं हो गया, लोग हार्ड बना देते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि आप पहले ही घबरा जाते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन को आपने अगर समझ लिया, इतिहास के प्रश्न को अगर आपने समझ लिया, तो इतिहास से बीपीएससी का मेंस निकालना बहुत आसान है। लोग क्या करते हैं ना, जो जानते हैं वो लिखते हैं। एक एक्चुअली ये अच्छा प्रश्न है कि जब मेरा इतिहास से नेट था तो मैंने दर्शन शास्त्र क्यों लिया, तो असल में क्या है ना कि देखिए, दर्शन शास्त्र लेने के पीछे दो तीन कारण था। मैंने पढ़ रखा था पहले से, इतिहास और दर्शन शास्त्र दोनों पढ़ रखा था, और है क्या कि दर्शन शास्त्र को मैं मतलब एक तरह से कहिए तो उसको मैं हमेशा एंजॉय करता रहा हूं। मतलब हर आदमी, आप अगर मैं आपको कुछ बोलूं तो आप स्वीकार कर लेंगे? नहीं करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे। अगर आप वाकई में सिविल सर्वेंट की होने की होना चाह रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो किसी ने कह दिया कि ये ऑप्शनल रख लो, तो आप नहीं रखेंगे, आप उस पर चिंतन करेंगे, उसके पॉजिटिव को देखेंगे, उसके निगेटिव को देखेंगे, और तब एक्सेप्ट करेंगे। तो ये काम कहां से करते हैं आप? अपने तर्क से। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, ये काम आप अपने तर्क से करते हैं, चिंतन से करते हैं, तो यही तो फिलॉसफी है, आप फिलॉसफर हो गए। अपने आप में हर आदमी दार्शनिक है, वही जब टॉप लेवल पर जाएगा तो सुकरात और प्लेटो अरस्तु हो जाएगा, और जब व्यवहारिक लेवल पाएगा तो प्रशासक बन जाएगा। तो फिलॉसफी का यही इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात, फाउंडर ऑफ फिलॉसफी कौन है? थेल्स। थेल्स को माना जाता है दर्शन शास्त्र का पिता, और फिलॉसफी शब्द का प्रयोग किया पाइथागोरस ने, मैथमेटिशियन, पाइथागोरस मैथमेटिशियन। और एक चीज याद रखिएगा, लॉजिक इसी से निकला और इसी से रीजनिंग निकली है, रीजन पावर देता है। इसकी मदद कहां मिलती है पता? इंटरव्यू के स्तर पर इसकी मदद कहां मिलती है? आंसर राइटिंग के समय आप उस लॉजिक का यूज कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो मैं मानता हूं कि LHW से भी छोटा पेपर है दर्शन शास्त्र। जब पढ़िएगा तो ये ऐसे जाएगा, और जब पढ़ना खत्म हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्वाक की आलोचना दूसरा कर रहा है, दूसरे की आलोचना चार्वाक कर रहा है, मतलब सब इंटर रिलेट हो जाता है। तो जब आप सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो न्याय दर्शन वाले उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसकी आलोचना वैशेषिक वाले कर रहे हैं, तो सब एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, और कोई भी क्वेश्चन का आंसर का तीन पार्ट होता है, एक पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर मेन पार्ट लिखते हैं, और फिर कंक्लूड करते हैं। लेकिन यहाँ कंक्लूजन से पहले आलोचना करना पड़ता है। और एक चीज है, इसमें सबको महारत हासिल होता है, किसी भी आलोचना करने बोल दिया जाए, देखिए खूब आलोचना करते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और इसी कारण से क्या होता है ना कि इसमें मजा भी आता है। लेकिन इसके बावजूद मैं बार बार बोलता हूं
कि देखिए ऑप्शनल लेते वक्त अपने दिमाग का प्रयोग कीजिए, आप मेरे कहने पे या किसी के कहने पे ऑप्शनल मत लीजिए। अगर आपका बैकग्राउंड कुछ रहा है, आपने उससे पीजी कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, उस सब्जेक्ट पर पकड़ है, तो मैं मानता हूं उससे अच्छा कोई पेपर नहीं हो सकता है। कभी कभी कोई पेपर बूम करता है, कभी कभी खराब होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पेपर छोड़ दें। दूसरी बात याद रखिएगा, क्या होता है ना कि ऑप्शनल लेते वक्त चार चीजों का ध्यान रखा जाता है, पहले तो रुचि, दूसरा कंटेंट की मटेरियल मिल रहा है कि नहीं, तीसरा गाइडलाइन मिल रही है कि नहीं, और चौथा स्कोरिंग है कि नहीं, ये चार बातें। अब देखिए होता क्या है ना कि अगर वो स्कोरिंग है और उसके 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 मटेरियल हमारे पास मिल जा रहे हैं, उसके गाइडलाइन भी हमको मिल जा रहे हैं, तो रुचि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरेस्ट अपने आप आ जाएगा अगर किसी भी सब्जेक्ट को आप एंजॉय मतलब पढ़िएगा तो अपने आप आ जाएगा। आपके अंदर में एक पागलपन होनी चाहिए, सिविल सर्विस तभी निकलेगा जब तक वो जुनून वो हाँ कौन अच्छा ठीक है, मतलब आप पहले से डिसाइडेड है कि आपको ऑप्शनल क्या रखना है, इसीलिए आपको आप यहाँ ध्यान लाना चाह रही हैं। हाँ नहीं, हिस्ट्री का कोई देखिए किसी भी सब्जेक्ट का कोई निगेटिव नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं है, जो सब्जेक्ट आप ले लीजिए वो सब्जेक्ट बढ़िया है और उसमें आपको उस पर काम कीजिए, बाकी हम लोग बाद में बात करेंगे। ऑप्शनल के विषय में अगर और कोई डाउट हो तो ऑफिस के स्तर पर पूछ लीजिए। कौन बोलता है 53-55 में हिस्ट्री ने मतलब खराब से खराब स्टूडेंट को सक्सेसफुल बना दिया? नहीं नहीं, मैं बता जो रहा हूँ वही चीज बता रहा हूँ, हर सब्जेक्ट का फेज होता है। अभी देखिए बार बार ज्योग्राफी बूम कर रहा है, बीपीएससी के नज़र में फिलोसफी आया था, 48वीं 52वीं में फिलोसफी आया, बीपीएससी के नज़र में फिलोसफी वालों को नंबर कम कर दिया गया, अब फिलोसफी वाले डूब गए, और अभी देखिए कंटिन्यू 2-3 बार से फिलोसफी से रिजल्ट हो रहा है। फिर वैसे ही हुआ, हिस्ट्री बूम किया था फिर हिस्ट्री डूब गया, फिर अभी देखिए ज्योग्राफी बूम कर रहा है, तो हो सकता है ज्योग्राफी को भी दबा दिया जाए। फिर पता चला कि लोग ज्योग्राफी करके ज्योग्राफी ले लिए, अब पता चला रो रहे हैं कि ज्योग्राफी के कारण मेरा रिजल्ट रुक गया। तो किसी प्रकार का पूर्वाग्रह से ग्रसित मत होइए, इवन कि 150 से 155 नंबर ऑप्शनल में लाने वाले भी लोग सफल हुए हैं, और ये एक एवरेज मार्किंग, अगर आपने 36 का 36 पेज भर दिया विथ अ गुड कंटेंट, अगर अच्छे कंटेंट के साथ में 150-155 मिलना ही मिलना है, किसी भी हालत में सबको मिलता है। अब रही क्या कि जीएस के फर्स्ट पेपर में अगर आपने दोनों स्टेट्स बना लिया तो 170 के करीब मार्क्स जा रहा है, और दूसरा कितना भी खराब करें तो 120 से 150 के बीच में आ रहा है। तो अब क्या है, ये तीनों का देखिए एग्जाम निकालने का मतलब ये नहीं है ना कि आप बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, कई बार होता है कि आपकी रणनीति अच्छी होती है, स्ट्रेटजी अच्छी होती है तो आप सफल हो जाते हैं। कम नॉलेज वाले आ रहे हैं 21 साल 22 साल में सफल हो जा रहे हैं, और जो 28-30 वाले हैं 40 वाले हैं बैठे रह जाते हैं, अंतिम प्रयास में भी कई लोगों का नहीं हुआ है, अरे लेकिन नए लोग आ रहे हैं और आकर के सफल हो जा रहे हैं। तो यही है, रणनीति की जीत है, ये ज्ञान की जीत नहीं है। बहुत ज्ञानी लोग हैं रोड पर भटक रहे हैं, आपको बराबर अच्छा अच्छा सलाह देंगे लेकिन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। तो यही चीज कि किसी भी प्रकार की पूर्वाग्रह मन में नहीं रहनी चाहिए। मैं आपको एक ही बात हमेशा बोलता हूं, जहां चाह वहां रहा, मन के जीते जीते मन के हारे हार। अगर आपने मन में बैठा लिया कि यू वांट टू बी एन ऑफिसर, आपको कोई नहीं रोक सकता है और रास्ता अपने आप मिलते जाएगा, लेकिन उठते बैठते केवल और केवल पॉजिटिव सोचना है कि मुझे ले लेना, इस बार मुझे सक्सेसफुल होना है। अगर आप डीएसपी बनना चाहते हैं तो डीएसपी के वर्दी में अपने आपको फील कीजिए, अगर आप एसडीएम बनना चाहते हैं एसडीएम की गाड़ी में अपने आपको महसूस कीजिए, लेकिन वो अपने आप में महसूस कीजिए, किसी को दिखाइए मत, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और वो अपने अंदर में फील करते जाइए, मैं आपको बता रहा हूं आपको कोई नहीं रोक सकता है, नो वन कैन स्टॉप यू। और एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं कि रात में सोते वक्त जब आप सोते हैं कि सुबह 4 बजे मुझे उठना है, 4 बजे उठना है, 3-4 बार सोच करके उठिए, ठीक 4 बजे आपकी नींद खुलती है। यही विश्वास तंत्र है, अगर आपने सोच लिया कि आपको डीएसपी बनना है, आपको डीएसपी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बस यही चीज, ये चीज रखिए, बाकी केवल और केवल पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव कोई बोलता है वो आपका कोई नहीं है, उससे मतलब रखना बंद कर दीजिए। देखिए सफलता मिलनी ही मिलनी है, कोई नहीं रोकेगा। चलिए आते हैं यहां कारकोट उत्पल, हाँ आपका क्वेश्चन क्या था, साहिबंश कहाँ थे? साहिबंश जो थे ना मुल्तान वाले एरिया में थे, और वो जो एरिया होता है कुछ एरिया उसमें कश्मीर का भी था,
कुछ एरिया कश्मीर का भी था, कुछ पंजाब का भी एरिया था जो उसके अंतर्गत था, ठीक है। तो वो पंजाब और कश्मीर वाला जो क्षेत्र था वो उसके अंतर्गत था। तो कारकोट जो है, कारकोट वंश कश्मीर क्षेत्र, दुर्लभवर्धन, उत्पल वंश कश्मीर क्षेत्र अवंती वर्मन, लोहार वंश कश्मीर क्षेत्र संग्राम राज, चौहान वंश दिल्ली और अजमेर में वासुदेव, चंदेल वंश बुंदेलखंड क्षेत्र में नन्नू संस्थापक है। और इसके बाद जो कल, हाँ, इसका संस्थापक शाही वंश, ये उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, यानी इसमें ये भी याद रखेंगे, पंजाब का क्षेत्र और कश्मीर का क्षेत्र, और इसका संस्थापक कौन है, कल्लर। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट करते हैं, इतना दिमाग बैठ गया। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहार को गुर्जर प्रतिहार भी बोला जाता है। गुर्जर प्रतिहार पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र मतलब राजस्थान क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र, तो ये यूपी एमपी का क्षेत्र, तो इसमें गुर्जर प्रतिहार है। और इसका संस्थापक कौन है, हरिश्चंद्र इसके संस्थापक है। हालांकि इसका जो वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को भी बोला जाता है, नागभट्ट प्रथम। इसके बाद पाल, बंगाल में दो वंश है, पाल वंश सेन वंश, पाल वंश का संस्थापक है गोपाल, और सेन वंश का संस्थापक है सामंत सेन। पाल वंश में और है, धर्मपाल है, देवपाल है, और एक महीपाल है जिसके समय में आक्रमण करता है राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था, बंगाल तक के क्षेत्र को जीता था। परमार मालवा में है, परमार कहां है, मालवा में परमार है। और परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज या सीयक मालवा क्षेत्र में। और परमार वंश में सबसे पॉपुलर शासक हुआ था राजा भोज, उसी के संदर्भ में ये कथन है ना, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, पता कहानी ये था ना, मतलब कहानी ये था। आप देखिएगा, अब किसी जाति विशेष पर किसी प्रकार का आक्षेप मैं नहीं लगा रहा हूं, लेकिन एक जनरली देखिएगा कि जनरल एक कॉन्सेप्ट, हमारे एक दो मित्र भी थे तेली समुदाय से थे, तो देख के लगता था कि बड़ी गरीबी वाली स्थिति होगी, जब उनके करीब गया तो पता चला करोड़पति है। तो मतलब कि रहन सहन, कपड़ा उपड़ा देख करके, वो जो चप्पल उपल जो है, मतलब वो अच्छा स्टैंडर्ड का पहन सकते हैं, उतनी क्षमता है, लेकिन वो उस तरह से जी रहे, बचत करते थे नहीं, बचत करने वाले हैं, पॉजिटिव, मैंने अभी तुरंत कहा था पॉजिटिव सोचना है, निगेटिव नहीं सोचना है, तो बचत करने वाले होते, तो कभी कभी वो दिखते नहीं है जो हैं दिखते नहीं है। तो ये चीज है कि, तो यहीं पर गंगू तेली हुआ क्या कि राजा भोज की आर्थिक स्थिति खराब हुई, तो दरबार में चर्चा हुई कि राजा भोज को कैसे मदद किया जाए। तो उसी में किसी ने कहा कि गंगू तेली से मदद लिया जाए, तो उसी पर कमेंट कर दिया कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। और पता है दूसरे दिन सुबह जब राजा भोज की नींद खुली तो देखा कि हीरे जवाहरात से भरी गाड़ियां जो है राजमहल के आगे में है, और वो गंगू तेली ने भिजवाया था। मतलब कि आर्थिक स्थिति उनकी इतनी मजबूत थी कि उसने राजा भोज को भी मदद की थी। अब ये कथन जो है सो जनरली लोग उल्टा सेंस में बोलते हैं, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, लेकिन वो है उल्टा। चलिए, तो परमार वंश मालवा में परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज या सीयक। गढ़वाल वंश कन्नौज में है। ये कन्नौज बिंदी क्षेत्र, कन्नौज भी याद रखिएगा, कन्नौज इनका क्षेत्र था। और इसके संस्थापक है चंद्रदेव। चालुक्य की चार शाखाएं, अनिलवाड़ के चालुक्य का संस्थापक मूलराज प्रथम, बातापी बादामी का पुलकेशिन प्रथम, कल्याणी के चालुक्य का तैलक द्वितीय, और बेंगी के चालुक्य का विष्णुवर्धन। सारा मैंने पहले भी बता दिया है, तो ये पूरी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए। और इसमें जो है वास्तविक संस्थापक में एक ये आता है अपना नागभट्ट प्रथम जो है वो प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। आगे करते हैं नेक्स्ट, ये लास्ट हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट कहां है, दक्कन क्षेत्र में है, मध्य भारत में दक्कन क्षेत्र में राष्ट्रकूट वंश है, राष्ट्रकूट वंश दक्कन क्षेत्र में। और इसके संस्थापक कौन है, दंती दुर्ग। हालांकि राष्ट्रकूट वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन कौन था, ध्रुव था, गोविंद तृतीय था, और एक था अमोघ वर्ष। शक्तिशाली शासक के साथ साथ विद्वान भी है, विद्वानों का संरक्षक भी है, गुनाढ़े वगैरह उसी के दरबार में रहते थे। उसके बाद कलचुरी जो है त्रिपुरी क्षेत्र में है, कर्नाटक क्षेत्र में। और इसका संस्थापक कौन है, कोक्कल। वाकाटक वंश जो है दक्षिणा पथ
देख अभी इसके बारे में भी बताया था, वाकाटक वंश का था ना रुद्र सिंह द्वितीय, जिससे विवाह हुआ था किसका, प्रभावती गुप्त का। तो इसका संस्थापक विन दे सकती है, वाकाटक वंश का संस्थापक विन दे सकती है। चौहान अजमेर में, दिल्ली अजमेर में संस्थापक वासुदेव, चोल दक्षिण में तमिलनाडु में चोल और पल्लव है, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु और चोल वंश का संस्थापक विजयालय। तो आज हम लोगों ने क्या किया, ये राजपूत काल से संबंधित कि यह किस क्षेत्र में है और इसके संस्थापक कौन कौन है, थोड़ी बहुत जो राजपूतों के उद्भव के बारे में देखा था। नेक्स्ट क्लास में आप लोग नोट्स रखेंगे, फिर नोट्स के थ्रू एक बार हम लोग चलेंगे। क्लियर, इतना ही रखिए।